NFT दोस्तों, आप लोगों ने रिसेंटली NFT ब्लॉकचेन में किसी ना किसी चीज का तो नाम सुना होगा, यानी कि जैक डॉर्सी अपना जो पहला ट्वीट है वो बेच रहे, काफी सारे लोग डिजिटल आर्ट पेंटिंग्स बेच रहे और NFT का यूज करके बेच रहे हैं। यहाँ पे मैं NFT की बात कर रहा हूँ, NEFT की नहीं, जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन में होता है, क्योंकि NFT मार्केट में टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा टर्म निकल गया है, काफी ज्यादा यूनिक है, लेकिन इसको बारे में लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से पता नहीं है। तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स को। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी आप लोगों को NFT शायद सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन देखा जाए तो जो ब्लॉकचेन है जिसका एक इंप्लीमेंटेशन क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन होता है, वैसे ही जो NFT है ना, ये इसका एक दूसरा इंप्लीमेंटेशन है। और इस इंप्लीमेंटेशन का फायदा ये कि इसके अंदर जो अनमोल चीज़ें, बहुमूल्य चीज़ें, नायाब चीज़ें या फिर वन ऑफ ए काइंड चीज़ें होती है ना, वो बेच सकते हो। वन ऑफ ए काइंड का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि एक चीज़ है वो दुनिया में एक ही एग्जिस्ट करती है, ऐसी दूसरी नहीं। मतलब 100 रुपये की नोट की वैल्यू 100 रुपये होती है, अगर मैं 2 50 रुपये के नोट लिया उसकी वैल्यू भी 100 रुपये होगी, लेकिन ताजमहल एक है और एक जैसा ही आपको ताजमहल देखने को मिलेगा। मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो डा विंची ने जो बनाई थी वो एक है। आप ऐसी डुप्लीकेट पेंटिंग क्रिएट कर सकते हो, उसकी फोटोग्राफ ले सकते हो, लेकिन एक ही मोनालिसा रहेगी ना, ताजमहल भी एक ही रहेगा ना, आपको इंडिया गेट भी एक ही देखने को मिलेगा, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें एक ही देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसी ही चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए और इनकी ओनरशिप को डिसाइड करने के लिए यहाँ पे NFT को बनाया गया, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन को। यानी कि हमने एक आर्टवर्क लिए, एक चीज़ ली जो बिल्कुल ही यूनिक रहती है, उसके साथ मैंने एक टोकन को असाइन कर दिया, यानी कि टोकन जो है वो है सर्टिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, यानी कि जिस किसी के पास वो टोकन रहेगा वो ओनर होगा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। अब ये कोई सी भी चीज़ हो सकती है, एक गाना भी हो सकता है, किसी ने MS पेंट में कोई पेंटिंग बनाई उसकी ओनरशिप भी हो सकती है वहाँ पे, और कोई सी भी चीज़ हो सकती है। जी हाँ, और यहाँ पे इस टोकन को स्टोर किया जा रहा है ब्लॉकचेन के अंदर, ये सबसे सही बात है। यानी कि क्या किया इन लोगों ने कि एक चीज ली, उसके साथ एक डिजिटल टोकन को असाइन कर दिया और उस टोकन को स्टोर कर दिया ब्लॉकचेन लेजर के अंदर। यानी कि बेसिकली इसको स्टोर किया जा रहा है इथेरियम के साथ, जैसे इथेरियम होता है ब्लॉकचेन के अंदर, वैसा ही लेजर लिया उन्होंने। लेकिन बात यहां पे ये है कि जिस तरीके से ब्लॉकचेन काम करता है ना, तो उस तरीके इसकी जो ओनरशिप है वो डिसाइड हो गई। सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को, कि मान लो किसी ने एक पेंटिंग ली, उसके साथ एक टोकन को असाइन कर दिया, उस टोकन को जो ब्लॉकचेन का जो लेजर होता है वो लिख लिया, और जिस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क करती है, डिसेंट्रलाइज्ड है, उसकी जो मल्टीपल कॉपीज है वो आपको दुनिया भर के अलग अलग कंप्यूटर्स में देखने को मिल गई, जिससे ये पता चल गया कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये इस पर्टिकुलर टोकन के साथ असाइंड है। बेसिक कंसेप्ट उसका ये, और इसका फायदा ये हुआ कि इससे आप पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी कि एक सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप को किसी दूसरे के पास ट्रांसफर कर सकते हो। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी वाले खेल यहाँ पे चल रहा है, कि जिस तरीके से बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसी होती है वो जिस तरीके से काम करती है, कि जहां पे सिर्फ लेजर में लिखा होता है कि किस अकाउंट के अंदर कितनी क्रिप्टो करेंसी है, सेम यहीं पर केस हो रहा है कि यहाँ पे वो लिखा जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर टोकन है इसका जो रियल ओनर है वो कौन है, जो उस टोकन का रियल ओनर होगा वो उस टोकन से एसोसिएटेड जो भी चीज है उसका वो असली मालिक वो होगा। बेसिक कंसेप्ट ये था, और इन्होंने इसको इसलिए डेवलप किया था लोगों ने, ताकि इसे जो बीच में से अगर किसी सर्वर के पास अगर आप जा रहे हो तो वो सारी चीजें होती है वो गायब हो जाए, और डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जो लोग होते हैं वो आपस में ट्रेड कर सके। बेसिक कंसेप्ट इसका ये था। इथेरियम के साथ अभी इसे रखा गया, इसका सेपरेट ब्लॉकचेन भी आने वाले समय पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग इसको बहुत ही ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। लोग अलग अलग पेंटिंग खरीद रहे हैं, डिजिटल वर्क खरीद रहे हैं, यानी किसी ने डिजिटली कोई पेंटिंग बनाई उसकी अलग अलग फोटोग्राफ्स मार्केट में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो रियल फोटोग्राफ का जो ओनर है ना वो से डिसाइड हो सकता है। जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के फाउंडर थे, उन्होंने जो पहला ट्वीट किया था उसको भी उसकी जो ओनरशिप है वो उन्होंने बेच दी। इस तरीके से देखा तो काफी सारे जो लोग हैं वो अपना जो ओरिजिनल आर्टवर्क होता है वो लोगों को बेच रहे हैं। अभी किसी तरीके का बबल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूं कि अभी NFT जाके खरीदे, क्योंकि बिल्कुल ही अलग ही चीज हो गई, बिल्कुल ही अलग ही कंसेप्ट हो गया। बेसिकली बात की जाए तो NFT को बनाया इसलिए गया था ताकि बीच में जो मिडिलमैन वाली जो चीज़ रहती है ना वो सारी चीज़ें गायब हो जाए, लोग आपस में जो चीज़ों का जो आदान प्रदान होते हैं वो कर सकें। बेसिकली बार्टर सिस्टम तरीके से चल रहा है कि एक चीज़ मैंने बनाई, उस चीज़ को मैं आपको बेचना चाहता हूँ, उसके सारे राइट्स आपके पास हो जाएंगे, तो वहाँ पे वो NFT के तरीके से यूज़ हो गया। लेकिन इसका जो एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ रहा है वो भी काफ़ी नोटिस करने वाली बात है। जैसे कि बात करिए इथेरियम के साथ होता है, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट पे वो काफ़ी बड़ी
चीज़ कार्बन एमिशन पे, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस तरीके से इथेरियम या क्रिप्टो करेंसी माइन की जाती है, ये बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। इससे जो कार्बन एमिशन होता है वो बढ़ता है, कार्बन फुटप्रिंट इसका ज़्यादा रहता है, और क्लाइमेट पे जो नेचर होती है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जी हाँ, अभी भी काफ़ी बड़ा सवाल हुआ है कि नेचर के लिए कितना सही है कितना गलत है। बाकी इसको सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि कम से कम समय लगे और कम से कम एनर्जी का यूज़ करके आप आसानी से ट्रांजेक्शन करो। लेकिन अभी के समय में जैसे इसको इथेरियम से जोड़ा गया है, वैसे जो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूजेज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है यहाँ पे सोचने वाली कि NFT के देखा तो यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन यहाँ पे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि NFT में लोग अभी कितना खर्चा कर रहे हैं। जैसे बात की जाए तो एक आर्टिस्ट है बीपल, उन्होंने की जो इमेजेस और जो डिजिटल आर्ट है ना, वो लगभग $69 मिलियन में पिछले हफ्ते बिकी है। ये काफी बड़ा नंबर हो जाता है। और वो सब तो ठीक है, किसी ने $5 लाख देके 2011 का कोई कैट मीम भी खरीदा है। मतलब लोग काफी अलग अलग टाइप की चीजें कर रहे हैं, काफी अलग अलग टाइप का कंसेप्ट चल रहा है नॉन फंजेबल टोकन में। ये कुछ ही अलग टाइप की चीज को मार्केट के अंदर लेकर आ गया। अब देखना है कि ये बबल है कि नहीं, इसके ऊपर अभी लोगों का इंटरेस्ट है क्या, आने वाले समय में लोगों का सच में इंटरेस्ट रहता है क्या इस चीज से, क्या आप जो सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है वो प्रोवाइड कर सकते हो। यानी कि आजकल हमने देखा है ना, कोई कंपनी अपना पेटेंट बनाती, कॉपीराइट बनाती है, वो एक जगह होल्ड करती है दूसरी जगह नहीं, तो क्या स्टैंडर्ड की तरीके से काम करता है, इसके लीगल पछड़े कितने होते हैं, इन सब के बारे में आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन देखा तो चीज थोड़ी सी पहले पुरानी थी, ट्रेंड में अभी आ गई है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और ब्लॉकचेन का काफी इंटरेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन बात यहां पे ये भी है कि हां, इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो काफी ज्यादा है, और जो क्लाइमेट पे और जो नेचर पे जो नेगेटिव इंपैक्ट है ना, वो भी यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोगों का NFT के बारे में क्या ख्याल है बात ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू देखने के लिए। मैं आप सुनता नेक्स्ट वन, गुड बाय।